जय माता दी, राधे राधे। आइए जानते हैं दिवाली पूजा शुभ मुहूर्त एवं महत्व। दिवाली का त्यौहार हर जगह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की उपासना की जाती है। इस बार दिवाली का त्यौहार 31 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। दिवाली की अमावस्या तिथि कल दोपहर 3:52 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 1 नवंबर को 6:16 पर होगा। दीपों का त्यौहार दिवाली 31 अक्टूबर यानी गुरुवार को मनाया जाएगा। कहते हैं कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की उपासना करने से घर में धन दौलत की बरसात होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और नगरवासियों ने इन खुशी में दीप प्रज्वलित किए थे। कहते हैं कि तभी से दिवाली मनाने की परंपरा शुरू हुई है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर यानी गुरुवार दोपहर 3:52 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 1 नवंबर को 6:16 पर होगा। दिवाली लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त। दिवाली का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है, इसलिए इस दिन प्रदोष काल का समय शाम 31 अक्टूबर को 5:36 से रात 8:11 तक रहेगा। वहीं वृषभ लग्न का समय 6:25 से लेकर रात 8:15 तक रहेगा। पूजा का दूसरा मुहूर्त महानिशीय काल का पूजन मुहूर्त 31 अक्टूबर को रात 11:39 से लेकर देर रात 12:30 तक होगा। दिवाली शुभ हो। दिवाली इस बार बहुत ही खास मानी जा रही है क्योंकि 40 साल इस दिन शुक्र गुरु की युति से सम सप्तक योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही शनि अपनी ही स्वराशि कुंभ में विराजमान रहकर ससराज योग का निर्माण कर रहे हैं। दिवाली पूजन विधि। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। इस दिन शाम को पूजन के लिए एक चौकी तैयार करें और उसके बाद चौकी पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा रखें। प्रतिमा तैयार करने के बाद उनके आगे एक दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का संकल्प लें। उसके बाद मूर्तियों के आगे जल भरा एक कलश रखें। फिर माँ लक्ष्मी और श्री गणेश को फल फूल मिठाई कलावा रोली आदि चीज़ें अर्पित करें। उसके बाद माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की आरती करें। दिवाली के उपहार। दिवाली की रात को माँ लक्ष्मी को गुलाब का एक फूल और कुछ सिक्के अर्पित करें। अगले दिन सुबह सारे सिक्कों को किसी निर्धन को दान कर दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।